कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज दूसरा दिन है, यानी दूसरे दिन की पद यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में शुरू हो गई है। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के कई बड़े नेता भी इस पद यात्रा में शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी साथ हैं। बता दें, कांग्रेस ने 7 सितंबर को राहुल गांधी को राष्ट्रीय ध्वज सौंपे जाने के साथ ही अपनी राष्ट्रव्यापी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। इस रैली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने यात्रा के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलने के लिए सहमति देने के लिए गांधी को धन्यवाद दिया। कांग्रेस पार्टी ने यह कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का तिरंगा सौंपना आजादी के बाद से भारत में सबसे बड़े राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत का प्रतीक है। इधर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से राहुल गांधी के नेतृत्व में शुरू हो चुकी है। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में उनकी यात्रा को सफल बनाने के लिए सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्मों के धर्मगुरुओं ने यात्रा को सफल बनाने के लिए प्रार्थनाएं की। इस दौरान जिला कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारे सहयोगी दिनेश शुक्ल ने मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के समन्वयक पूर्व मंत्री पीसी शर्मा से खास बातचीत की। भारत जोड़ो यात्रा कुछ ही देर में कन्याकुमारी से शुरू होने वाली, आप देख सकते हैं कि भोपाल में एक सर्वधर्म सभा का आयोजन यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर जो है सभी धर्मों के जो धर्म गुरु हैं यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, पूरे कांग्रेस के जो जन हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि दिल्ली से AICC से मित्तल साहब भी पहुंचे हुए हैं, कांग्रेस कमेटी मध्य प्रदेश के जो बड़े नेता हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। हमारे समन्वयक जो मध्य प्रदेश के बनाए गए हैं भारत जोड़ो यात्रा के, पीसी शर्मा जी, उनसे बात करते हैं। शर्मा जी, 23 नवम्बर को यहाँ प्रवेश करवे 24 नवंबर को प्रवेश करेगी मध्य प्रदेश प्रवेश करेगी। आज कन्याकुमारी से उनकी पदयात्रा शुरू हो रही है, जो 5 बजे अभी यहाँ पे लाइव दिखेगा। अभी आज सर्वधर्म प्रार्थना सभा यहाँ पे की गई, सभी धर्मगुरुओं ने राहुल गांधी जी को शुभकामनाएं दी हैं कि ये उनकी नफरत हटाओ, भारत जोड़ो और आर्थिक असमानताएं ये ख़त्म हो, इन सब बातों को लेकर जो पदयात्रा कर रहे हैं उसके लिए शुभकामनाएं दी है। ये 158 दिन चलने वाली पदयात्रा है, जिसमें 16 दिन मध्य प्रदेश रहेंगे और पूरे मध्य प्रदेश के लोग इसमें, हर वर्ग हर तबके के लोग जुड़ेंगे। और जो मुख्य मुख्य शहर हैं बुरहानपुर, खंडवा, नर्मदा जी में स्नान भी करेंगे, महाकाल के दर्शन भी करेंगे। निश्चित तौर पर अगर पड़ाव वहाँ पे हुआ, ये पड़ाव पे डिपेंड करता है, अगर पड़ाव हुआ तो स्नान करेंगे और महाकाल में तो सभा है तो वहाँ दर्शन करेंगे ही। और इसके अलावा पूरे मध्य प्रदेश से अलग अलग जिलों से भी ये यात्रा आने वाली है और आके इस बड़ी जो मुख्य पदयात्रा है इसमें मर्ज होंगे। आज राहुल गांधी 5 बजे से भारत जोड़ो यात्रा पर निकलेंगे कन्याकुमारी से और कश्मीर में यह यात्रा ख़त्म होगी। मध्य प्रदेश में भी पड़ा होगा, लोगों का कहना है इसमें भारत में लोग जुड़ेंगे और एकता के साथ एक बार फिर से मजबूत भारत खड़ा होगा। कैमरामैन हरिवल्लभ चौबे के साथ INS 24/7 के लिए भोपाल से दिनेश शुक्ला।